नमस्कार आप सभी को और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक हैंकी टक वीडियो, साथ में आपको मोबाइल टक करना और की चेन टक करना भी सिखाऊंगी और वो भी मॉडल स्टाइल में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं वीडियोज़ कैसे बनाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिया है एक हैंकी और ये है हैंकी और लिया है मैंने ये मोबाइल फोन और तीसरा है ये कीचेन। ओके, तो अभी मैं एक एक करके सब टक करके आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने साड़ी वेयर करी हुई है क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोग ये साड़ी वेयर करके आप बताएं हैंकी टक करना। और ये भी साथ में कहा गया था कि मोबाइल टक करना बताना है और साथ में कीचेन टक करना भी बताना है। तो चलिए मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक हैंकी ले लिया है मैंने, तो मॉडल स्टाइल में टक करना है। रेक्टेंगुलर शेप का मैंने हैंकी लिया है, उसको फोल्ड कर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। तो इसे मैंने प्रेस कर लिया है यहाँ से। वैसे भी आजकल हैंकी प्रेस करके ही रखे ही जाते हैं क्योंकि पहले का ज़माना तो है नहीं कि प्रेस नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के पास होती हैं, अगर नहीं है जहाँ पे सुविधा तो फिर भी हम लोग उंगलियों की हेल्प से इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो बस इसे हमने टक करना है अब, तो ऐसे। ये बहुत ही कम मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं, और इसको ऐसे ढक लिया है। अब ये नज़र भी नहीं आ रहा है और ये हैंकी टक नंबर वन मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब चलिए सेकेंड हैंकी टक करके बताते हैं। अब मैंने इसको निकाल लेना है, तो ये मैंने निकाल लिया है। इसको हमने ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसे हमने हैंकी टक किया था उसको एज इट इज़ निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक और फोल्ड कर देंगे। ओके, तो एक और फोल्ड कर दिया तो ये थोड़ा सा पतला हो गया, आप देख रहे हैं ना। पहले इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी तो अब ये लंबाई में आ गया है, देख सकते हैं। तो अब फिर से मुझे इसे टक कर लेना है। तो ये ज़्यादा पोर्शन ऊपर की साइड रखना है और नीचे की साइड बहुत ही कम पोर्शन मैंने रखा है, और इसे आराम से टक कर लेना है। देखिए टक कर लिया और अब इसे, तो अब ये नज़र भी नहीं आ रहा है और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और मॉडल स्टाइल हैंकी टक यही होता है कि नज़र नहीं आना चाहिए, तो ये नज़र नहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब एज इट इज़ मैं इसे निकाल लेती हूँ और आपको थर्ड स्टाइल हैंकी टक करना सिखाती हूँ। तो अब मैं इसको ओपन कर लिए, तो देखिए ये ओपन हो गया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन उल्टा नहीं करना है, सीधा करना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया, तो ये हो गया ट्राइंगल शेप का। एक बार फिर से फोल्ड कर लूंगी मैं, और अब उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करती जाऊंगी, देख रहे हैं आप इस तरह से। तो इसे मैं अब टक कर ले रही हूं। तो देखिए ये भी मैंने टक कर लिया। आई होप आप लोगों को ये स्टाइल भी पसंद आया होगा।
तो चलिए आप एक और स्टाइल में आपको करके दिखा देती हूँ। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है, आप चाहें तो ओपन नहीं भी करें, लेकिन मैंने ओपन कर लिया है इसे। तो अब इसे फिर से मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से करना है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से भी लेके ये वाला पोर्शन फोल्ड कर लेना है। तो ये फोल्ड हो गया, देख सकते हैं। अब ऐसे टक कर लूंगी, बहुत ही सिंपल है ये। तो चलिए इसे टक कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं ताकि मॉडल स्टाइल हैंकी टक लगे। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने एज इट इज ही रखा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देना है और इसे भी इसी तरह से घुमा के ये देखिए, तो ये एक लीफ निकल के आ गई है यहाँ से और यहाँ से भी दो लीफ हैं, देखिए। अब इसे टक कर लेना है, तो चलिए टक कर लेते हैं। तो ये भी मैंने टक करके आपको दिखा दिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे ओपन नहीं करेंगे और इसी से ही हम और स्टाइल तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी स्टाइल्स तैयार हुए हैं, जो पहले तैयार हुआ है उसी का ही आगे मेकिंग हुई है। तो इसी से हम आगे एक नया और स्टाइल करने वाले हैं। तो ये वाला जो है लीफ जो दो निकल के आए हैं उसी को मैं फोल्ड कर दूंगी एक बार और, ये देखिए यहाँ से ये फोल्ड कर दिया और यहाँ से देखिए। तो अब इसे मैं टक कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए और मैं आपको स्टाइल्स बताती हूँ, इसे हम निकाल देते हैं अब हैंकी को। अब इसे ओपन कर लेना है। और मैंने अब इसे खोल लिया है। अब इसका साड़ी के प्लेट की तरह मैंने इसको फोल्ड कर लेना है। कैसे करती हूँ चलिए आप लोग देख लीजिए। ये मैंने फोल्ड किया है, इसी तरह सारे फोल्ड कर लूंगी मैं।
उसे फोल्ड कर लिया है, अब इसे अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ। तो अब इसका एक पोर्शन हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से एक पिन भी लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन, तो यहाँ से बाइंड हो जाएगा और फिर आसानी से आपका यहाँ से बहुत ही प्यारा एक फ्लावर शेप में बन जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे डाल देती हूँ अंदर। तो अब इसे ढक लेते हैं। तो देखिए अब नजर भी नहीं आ रहा है और बहुत ही प्यारा सा एक हैंकी स्टाइल हम मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इसे निकाल लेती हैं और एक और स्टाइल सीखते हैं। अब जो मैंने आपको हैंकी स्टाइल बना के सिखाया था, बस उसको बीच में से पकड़ लेना है हमें, और बीच में से पकड़ के जो साइड के हैं ये वाले लीव, इनको भी पकड़ लेना है इस तरह से। आप चाहें तो इनको टक भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये बन गया है, देख सकते हैं आप। तो बस अब हम इसे टक कर लेंगे, देखिए। अगर हम सुई धागे की मदद से इसे सिलते हैं तो ये हम आसानी से टक कर सकते हैं, नहीं तो ये निकल भी सकता है। तो चलिए इसे टक कर लेते हैं। देखिए टक कर लिया है और अब ये नजर भी नहीं आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब और कुछ आपको सिखा दूं, इसे निकाल लेते हैं हम। तो इसकी तो सलवटें पड़ गई हैं हैंकी में और हैंकी को प्लेन कर लेते हैं। तो हैंकी को प्लेन करने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए कैसे किया है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ऐसे एक रेक्टेंगल है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया और फिर एक बार फिर से फोल्ड कर लिया। तो ये फोल्ड हो गया है, अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है ये, और इस साइड से भी फोल्ड करना है, दोनों साइड से ही फोल्ड करना है। देखिए और अब इसे टक कर लेना है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम टक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है आपको? तो चलिए इसे हम ढक लेते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक फोल्ड बचा है इसे और फोल्ड करेंगे ऐसे इसी को, और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गया आपका एक और स्टाइल। तो बहुत ही इजी है ये, अब इसे फिर से टक कर लेते हैं। तो एक से एक बन के आ रहे हैं हैंकी स्टाइल्स। आप एक बनाओ तो उसी से आपका दूसरा भी निकल के आएगा, बस यही है। तो चलिए अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो इसे हमें ओपन कर लेती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ आपको मोबाइल टक करना। तो चलिए मोबाइल ले लेते हैं इसके लिए।
तो ये है मोबाइल, चलो इसको मैं टक कर लेती हूँ। तो यहाँ बीच में सेंटर में टक करना है आपको, और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपका पेटीकोट बहुत ही टाइट होना चाहिए, नहीं तो आपका ये मोबाइल नीचे गिर जाएगा और आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए आपको पेटीकोट टाइट बांधना पड़ेगा, बस यही करना है हर लेडीज को। तो चलिए हम लोग इसे टक कर लेते हैं। तो देखिए हो गया ये, और इसे हम अब ढक भी लेते हैं। ढक इसलिए कि साड़ी तो हम लोग नॉर्मली ऐसे ही पहनते हैं, तो जब हम साड़ी पहनेंगे तो हम लोग हैंकी टक करें या मोबाइल टक करें या फिर की चेन टक करें, किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली ढक ही जाएगा। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने, अब मैं लेके आई हूँ ये की चेन। तो इसे की चेन को भी हम टक कर लेते हैं। तो पहले टक किया जाता था, पुराने जमाने की बात है, अगर हम दादी की बात करें, अपनी नानी की बात करें, तो नानी दादी क्या करती थी कि जो हमारी कीज होती हैं उन्हें बाहर दिखाती थी। तो हम लोग वही करेंगे, अभी नानी दादी वाला स्टाइल करेंगे, इसे हम बाहर दिखाएंगे। तो ये मैं बाहर दिखा रही हूँ, चलिए। तो ये रही हमारी कीज और इसे मैं टक करने वाली हूँ, देखिए। तो बताइए कैसे लगा आपको। चलिए, तो अब ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, देखिए। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब मैं मॉडल स्टाइल में आपको की चेन टक करके बताती हूँ। आजकल के जमाने में क्या होता है बताओ, कोई चीज दिखाई नहीं जाती है। क्या दिखाई जाती है, सिर्फ चेन दिखाई जाएगी, की नहीं दिखाई जाएगी। तो उसी को ही हम दिखाएंगे। तो चलिए इसे टक कर लेते हैं। तो कीज को मैं डालूंगी अंदर, और चेन को मैंने कर लिया बाहर। तो चलिए अब साड़ी से इसे ढक लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, कैसे लगा आप बताइएगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं अब हम। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टाइल्स बता दिए, मोबाइल टक के सिर्फ एक ही बताया है, और की चेन टक करना मैंने आपको बताया है, बाकी मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे स्टाइल्स हैंकी टक के। आपको जो भी इजी लगे, जो भी आसान लगे, आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि आसान तो सारे ही मैंने आपको सिखाए हैं। तो प्लीज़ आप उनको यूज़ करें, और जब आपको ज़रूरत पड़े किसी ओकेजन पर जाने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे मेरे हैंकी स्टाइल्स, और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं कल आती हूँ। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टाटा।